इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। डिप्लोमा एंड संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा घोषित आंदोलन के क्रम में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम 21 चर्च लेन एलनगंज प्रयागराज स्थित अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यालय के मंडल के चारों जनपदों के समस्त जूनियर इंजीनियर द्वारा डिप्लोमा इंजीनियर संघ मंडल प्रयागराज के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। धरना कार्यक्रम में अध्यक्षता इंजीनियर मनोज कुमार श्रीवास्तव मंडल अध्यक्ष द्वारा की गई। धरना स्थल पर लखनऊ से प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर साहब लाल सुनकर, उपाध्यक्ष इंजीनियर अशोक कुमार गंगवार द्वारा यांत्रिक सहायक अभियंताओं को अनियमित तरीके से अधिशासी अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नति एवं प्रभार दिए जाने के कुत्सित प्रयास का जोरदार विरोध किया गया एवं आह्वान किया गया कि शासन विभाग द्वारा इस संबंध में अपना निर्णय वापस न लिया गया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। अंत में मंडलायुक्त महोदय प्रयागराज को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन दिया गया। हमारा उद्देश्य यहाँ आने का, हमारे संबल के अमीन जो सन 1985 से 83 से सीजनल अमीन के रूप में सेवाएं देते आ रहे, तमाम संघर्षों के बाद उन्हें 2016 में नियमित किया गया। 85 से लेकर के 16,000 करीब 31 साल की सेवाएं इनकी बेकार हो गई, इनकी सेवाओं को जोड़ा नहीं जा रहा है। किसी की सेवा 3 साल बच रही, किसी की सेवा 4 साल बच रही है। इस तरीके से हमारे अमीनों का पूरा जीवन बेकार कर दिया है। ऐसे प्रदेश में करीब 4,000 आदमी। तो ये जो आप योजना चला रहे हैं इस समय, जो जिस उद्देश्य से यहाँ है, और भी जिले में चल रहा है? ये हर जिले में प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ क्या क्या आश्वासन दिया है कमिश्नर साहब ने? आपसे मुलाकात हुई, ज्ञापन दिया आप लोगों ने? प्रतिनिधि ने ज्ञापन लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजेंगे। और हमारे अदड़ी पांडे जी जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, राजकंचाई संयुक्त परिषद हैं, आपके नेतृत्व में पूरी तरह से हम संग्रामीन और डिप्लोमा इंजीनियर संघ को पूरी तरह समर्थन देते हैं। इनकी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, और जायज़ मांगों के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि इनकी मांगों पर विशेष ध्यान देते हुए, जायज़ मांगे हैं, कोई इलीगल मांगे ये नहीं कर रहे हैं, इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए और इनकी जो समस्याएँ हैं उसका निस्तारण किया जाए। अन्यथा बाध्य होकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इस पर कूद जाएगा और फिर वो सड़कों पर आंदोलन करेगा। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक और हम आपके मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि हम पुरानी पेंशन के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें राज्य कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर अधिकार मंच का गठन पूरे प्रदेश में हुआ है, जिसमें राज्य स्टेट में सारे जितने भी संगठन हैं सब एक होकर के पुरानी पेंशन की मांग के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं, जिसका हमारी प्रांतीय अकाली ने एक रूपरेखा तैयार कर दिया है। और हम 5 अक्टूबर को एक मोटरसाइकिल यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर में हम एक दिवसीय जिलाधिकारी कार्यालय में धरना देंगे। फिर अगर इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है या सरकार इस पर भी नहीं मानती है तो हम 30 नवंबर को एक विशाल रैली का आयोजन उत्तर लखनऊ में करेंगे और हम अपनी मांगों पर निश्चित रूप से संकल्पित हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से माननीय सांसद और विधायक गणों को पुरानी पेंशन दी जा रही है, उसी तरह से हमारे कर्मचारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी कोई भी सरकार आती है तो सरकारों का जो काम करने का काम होता है वो कर्मचारी ही करता है। आप वहाँ बैठ करके नीतियाँ बनाते हैं लेकिन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम हमारा कर्मचारी करता है। और हमारा कर्मचारी 60 साल के बाद जब रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद उसे पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है, नई पेंशन दी जा रही है। हम ये मांग करते हैं कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, अन्यथा जो नवीन पेंशन है ये पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है, ये पूंजीपतियों के हाथ में है, शेयर के आधार पर ये दी जाती है। हमारे बहुत सारे कर्मचारी अभी जो रिटायर हो रहे हैं, जो 70,000-80,000 रुपए वेतन पे रिटायर हो रहे हैं, अगले महीने जब वो उनको पेंशन मिलती है तो 1,000